वैसे तो मैं रोज जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि ऑफिस लेट पहुँचना मुझे कतई पसंद नहीं। मैं अपने परिवार से दूर अकेले रहता हूँ, क्योंकि शादी अब तक हुई नहीं और गर्लफ्रेंड की जरूरत कभी पड़ी नहीं। मैं व्यवस्थित रहता हूँ, अव्यवस्थित लोगों को देख मुझे चिढ़ होती है। एक बार बचपन में व्यवस्थापन टॉपिक पर पापा से जो लेक्चर सुना था वो आज तक याद है, और उस दिन के पश्चात आज तक मैं उससे बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहा हूँ। संगीत प्रेमी हूँ, 80 to 90 दशक के रोमांटिक गीत धीमी आवाज में सुनना मन को भाता है। आजकल के कान फोड़ू संगीत मेरे समझ से परे हैं और उन्हें सुनना बर्दाश्त से बाहर। इसलिए मेरे कुछ दोस्त मुझे बुढ़ा तो कुछ आउटडेटेड बुलाते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं उनकी बातों का पूरा मानता हूँ। मुझे रंग बिरंगे फूल मन भावन लगते हैं, इसलिए मैंने अपनी गैलरी में आर्टिफिशियल फूलों के पौधे सजा रखे हैं, क्योंकि मिट्टी छूना मुझे कतई पसंद नहीं। आज मैं देर तक सोना चाहता था, लेकिन सुबह से ही तेज म्यूजिक की आवाज़ और धड़ाम धड़ाम का शोर सुन मेरी नींद खुल गई। मैं झुंझला कर उठा और गैलरी में जा खड़ा हुआ, जहाँ मेरे ठीक सामने वाले फ्लैट से म्यूजिक का शोर आ रहा था। शोर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें शब्द समझ नहीं आते, केवल शोर ही शोर सुनाई देते हैं। मैं सोचने लगा, इस फ्लैट में तो कोई नहीं रहता था। तभी एक खूबसूरत लड़की पर मेरी नज़र पड़ी, जो पाश्चात्य संगीत में झूमती हुई गैलरी में रखे पौधों में व्यस्त थी। उसे देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मृग जैसे उसके नयन, लंबे रेशमी बाल जो हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, मानो उसके गालों को चूमने के लिए आतुर हो, जिसे वह बार बार अपनी बाहों से हटाने का असफल प्रयास कर रही थी। मैं अपलक उसे निहारने लगा। तभी वह मुझे देख अपनी मिट्टी से सने गंदे हाथ हिलाती हुई बोली, हाय। मैं जेब गया, फीकी सी मुस्कान के साथ उसके हाय का जवाब दे अंदर आ गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, आज छुट्टी के दिन मैं आराम से सोना चाहता था, पर उस लड़की के कान फोड़ू संगीत की वजह से ऐसा हो न सका। मन हुआ जाकर उसे डांट लगा, आवाज़ धीमी करने को कहूँ। ऐसा सोच में उठा ही था कि डोरबेल बजा। दरवाजा खोलते ही जगह जगह से फटे जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहने, बिखरे बाल और हाथों में ट्रे लिए सामने वही लड़की खड़ी थी। मैं अंदर आ जाऊँ, कहती हुई मेरे बिना हाँ कहे अंदर आ गई। ट्रे टेबल पर रखती हुई बोली, माई सेल्फ खुशी, आपके सामने वाले फ्लैट में 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। योर गुड नेम, मैंने रुखे स्वर में कहा। राजकिशोर, वह थोड़ा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली। नाम थोड़ा लंबा है, इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको राजी बुलाऊँ, मैं चिढ़ते हुए बोला। मेरे दोस्त मुझे किशोर बुलाते हैं। वाओ नाइस, बट राज साउंड गुड, सो मैं आपको राज जी ही बुलाऊंगी। उसने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरा नामकरण कर दिया और मैं कुछ ना कर सका। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं आपके लिए भी आलू पोहा बना लाई हूँ। वीकेंड पर अकेले ब्रेकफास्ट करने में मज़ा नहीं आता। उसे इस प्रकार व्यवहार करता देख मुझे ऐसा लगने लगा कि उसकी बाहें पकड़ उसे बाहर निकाल दूँ, लेकिन घर आए मेहमान को निकालना मेरी तहजीब के खिलाफ है, फिर चाहे वह मेहमान बिन बुला ही क्यों ना आया हो। मेरे लिए वैसे भी ये नाश्ता लेकर आई, तो क्यों ना नाश्ते पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मैं गर्मा गर्म आलू पोहा का आनंद लेना चाहता था, किंतु मेरा ध्यान भटकने लगा। मैं बार बार उससे नजरें चुरा उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा, उसकी बेकार की बकबक ना चाहते हुए भी सुनने लगा। 35 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा था। मेरा दिल जो मेरे इशारे पर चलता था, आज अचानक मुझसे विद्रोह करने लगा। मैं अपने दिल को काबू में नहीं कर पा रहा था। तभी उसने कहा, राज जी पोहे के बाद चाय मिलेगी क्या? मैं हड़बड़ा गया, कुछ कह नहीं पाया। तो उसने दोहराया, नाश्ते के बाद अब एक एक प्याली चाय हो जाए, किचन आपका है, चाय आप बना लीजिए, इसी बहाने आपके हाथों की भी परख हो जाएगी। दिमाग चाय के लिए मना कर देना चाहता था, लेकिन कुछ देर पहले से ही मेरा दिल
मेरी सुनना बंद कर चुका था। फिर दिल के आगे दिमाग की क्या औकात। दिल से हार कर मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, तुम पीकर तो देखो। ऐसा कह मैं किचन में आ चाय बनाने लगा। वह भी मेरे पीछे किचन में आ गई। फिल्टर से गिलास में पानी लेती हुई बोली, वाव राज जी, आपने तो किचन भी व्यवस्थित रखा है। मैंने गर्व से कहा, अव्यवस्था और बिखराव मुझे पसंद नहीं। मेरे ऐसा कहते ही वह संजीदा होती हुई बोली, कभी बिखर कर देखिए, आपको जीना आ जाएगा। उसका जवाब सुन मैं आश्चर्यचकित रह गया। चाय पी जब वो जाने लगी, मैं अपना दिल मजबूत करते हुए बोला, आज के बाद तुम मेरे घर दोबारा नहीं आना, लोग गलत सोचेंगे। वह मुस्कुराती हुई बोली, यह भी आप सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। उसके जाने के बाद मेरी नज़रों में उसका चेहरा घूमता रहा। मेरा दिल मुझे धिक्कारने लगा। मुझे उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं सारा दिन उसके ख्यालों में खोया रहा। हर थोड़ी देर बाद मैं गैलरी में इस उम्मीद से जा खड़ा होता कि शायद वह दिख जाए, पर वह नहीं दिखी। पूरा दिन उसे देखे बगैर ही गुजर गया और रात जागते हुए कटी। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा, उसे आते देख मैंने अपनी कार धीमी कर ली। हवा में उड़ रहे अपने दुपट्टे को संभालती, हाथों में फाइल और कंधे पर बैग लटकाए वह आ रही थी। जैसे ही वह करीब आई, मैं कार रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो खुशी, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी मैं कार का दरवाजा खोल वहीं रुक गया। फिर वह कुछ कहे बगैर कार में बैठती हुई बोली, आप मुझे टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं वहां से अपने ऑफिस चली जाऊंगी। उसके बगल में बैठते ही मेरा दिल फिर बेकाबू होने लगा। मैंने कहा, कल के लिए आई एम सॉरी, इट्स ओके राज जी, वह मुस्कुराते हुए बोली। दिल चाहता था ये वक्त यही थम जाए और वह ऐसे ही मेरे बगल में बैठी रहे। खुशी, तुम मुझे राज कह सकती हो, जी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनापन जताते हुए बोला। वह खिल खिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, आप मुझसे इतने बड़े हैं, मैं आपको केवल राज कैसे बुला सकती हूँ। उसका इस प्रकार हंसते हुए कहना, आप इतने बड़े हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे वह मुझे बुढ़ा कह रही हो। मैं थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 8-10 साल ही बड़ा हूँ। 8-10, इस बार वह ठहाके लगाती हुई आश्चर्य से बोली। अब मेरा पारा चढ़ गया। मैं उखड़ते हुए बोला, इसमें हंसने की क्या बात है, सॉरी सॉरी राज जी, लगता है आप बुरा मान गए, वह अपनी हंसी रोकती हुई बोली। मैं भी अपने आप को सामान्य करता हुआ बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक उसने कहा, राज स्टॉप द कार। मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ, मेरा स्टॉपेज आ गया है। मैं इस प्रकार खोया था कि मुझे पता ही नहीं चला कब टैक्सी स्टैंड आ गया। ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा था, उसके बावजूद मैं चाहता था उसका साथ यूं ही बना रहे, इसलिए मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। वह नहीं मान रही थी, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो पहली बार किसी की खुशामद करने लगा और उसे ऑफिस ड्रॉप करके ही दम लिया। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। मैं ऑफिस के लिए तभी निकलता जब वो निकलती। मैं अपना दिल एक ऐसी लड़की पर हार चुका था जो मुझसे बिल्कुल अलग थी, जिससे ना तो मेरे विचार मिलते थे और ना ही व्यवहार। हाले दिल बयां करने के मैं मौके ढूंढने लगा। रोज इजहारे मोहब्बत की प्रैक्टिस करता, पर जैसे ही वह सामने आती, एग्जाम हॉल में आए क्वेश्चन पेपर को देख जो हालत एक स्टूडेंट का होता है, वैसे ही स्थिति मेरी हो जाती और मैं कुछ ना कह पाता। एक रात अचानक 10 बजे डोरबेल बजा। दरवाजा खोलते ही सामने वही खड़ी थी। उसे देख मेरा दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा, पर वह नहीं आई। शायद उसे मेरी उस दिन की बात याद थी। वह बाहर से ही बोली, कल मैंने घर पर पूजा रखी है, आप जरूर आइएगा। इतना कह वह चली गई। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल मैं उसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूँगा। दूसरे दिन मुझे ऑफिस जाना था,
लेकिन मैं नहीं गया। ऐसा भी पहली बार हुआ जब मैं अकारण ऑफिस नहीं गया। सुबह से ही मैं उसके घर जाना चाहता था, परंतु कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों को उसके घर पर आता जाता देख मैं हिम्मत ना जुटा सका। बहुत कम समय में उसने केवल मेरा ही नहीं, कॉलोनी में सभी का दिल जीत लिया था। पूरी कॉलोनी उसी के रंग में रंगा दिखने लगी। जब शाम को मैं उसके घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला मिला। मुझे देखते ही वह बोली, आइए राज, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आप लेट हो गए। आज उसे एक और नए रूप में देखा मैंने, मैं देखते ही रह गया। लाल रंग की साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। माथे पर कुमकुम, हाथों में चूड़ियाँ देख मैं मदहोश हो लड़खड़ाने लगा। तभी वह मेरे हाथों में प्रसाद रखते हुए बोली, प्रसाद लीजिए। मैं प्रसाद एक और रखते हुए बोला, खुशी तुम रहने वाली कहाँ की हो? मेरे सवाल पर उसने सवाल किया, क्यों? मैंने कहा, बस यूं ही, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरे इस सवाल पर उसकी आंखें डबडबा गई और वह मेरी ओर पीठ कर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसका इस प्रकार शांत हो जाना मुझे अजीब सा लगा। मैं थोड़ी देर मौन रहा, फिर उसके करीब जा उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या मैंने तुमसे कोई गलत सवाल पूछा? आज मैंने पहली बार उसके हाथों को थाम लिया था, लेकिन वह कोई विरोध किए बगैर बोली, नहीं, आपने कोई गलत सवाल नहीं किया, मगर मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे माता पिता कहाँ हैं। जब से होश संभाला है मैंने अपने आप को अनाथालय में ही पाया है। ऐसा कहती हुई वह मेरी बाहों में बिखर रोने लगी। मैं उसे अपने सीने से लगा, उसके स्पर्श को महसूस करने लगा। तभी आवाज़ आई, खुशी। वह मेरी बाहों से निकल तेजी से आवाज़ की ओर चली गई। सामने सुडोल नवयुवक रेशमी पाजामा कुर्ता और माथे पर तिलक लगाए खड़ा था। उसे देख उसकी बाहों में वह अपनी बाहें डालती हुई बोली, विकी, ये उस युवक ने उसके होठों पर उंगली रख बीच में रोकते हुए और उसके कंधे पर अपनी बाहें डालते हुए बोला, ये राज जी हैं, एम आई राइट? वह खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, यस यू आर राइट। ऐसा कहते हुए दोनों मेरे समीप आ खड़े हुए और फिर वह मुस्कुराती हुई बोली, राज, ये है मेरे पति विक्की, हमने कल ही कोर्ट मैरिज की है, ये भी मेरी तरह अनाथ आश्रम में ही पले बड़े हैं। दोनों को खुश देख मेरी आंखें भी खुशी से छलक गई। उन्हें प्रणय सूत्र में बंधा देखकर नहीं, बल्कि स्वयं के स्वतंत्र रह जाने की खुशी में मैं पूजा की प्रसाद ले घर लौट आया और पुनः अपने कमरों को व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।